सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। का स्वागत है। कद्दावर जाट नेता डॉक्टर हरि सिंह अपने बयानों के कारण चर्चाओं में हैं। आज उन्होंने कह दिया कि सचिन पायलट लंबे वक्त से पीसीसी चीफ पद पर हैं, लेकिन ये कांग्रेस की परंपरा में नहीं है और अक्सर जब सत्ता बदलती है तब अध्यक्ष बदल जाता है। हरि सिंह को सचिन पायलट के नजदीकियों में माना जाता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। धुरंधर जाट नेता के तौर पर डॉक्टर हरि सिंह को सम्मान हासिल है। उम्र के पड़ाव पर भी उनकी सक्रियता कम है, लेकिन वाणी में ताकत बरकरार है। यही कारण है कि उनके बोलने की खरी शैली चर्चाओं में रहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट को लंबा वक्त हो गया है। हरि सिंह ने इसे लेकर कहा कि उनका काम अच्छा है, लेकिन उन्हें अपने पद पर समय बहुत हो गया है, जबकि राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके हैं। अब तक पीसीसी चीफ पद पर रहना समझ से परे है। तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं, आप रहते हैं उसका, मैं तो घर पर ही रहता हूँ। लेकिन लोग बात कहते हैं कि सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है। अब इसका नतीजा, इसका फैसला तो पब्लिक करेगी भाई, और पब्लिक के पास में जाने के लिए अभी 3.5 साल पड़े हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरि सिंह को जाट आरक्षण आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में माना जाता है। हरि सिंह को पार्टियां बदलने के कारण भी जाना जाता है। कांग्रेस और बीजेपी समेत प्रमुख दलों में वो रह चुके हैं, अभी फिलहाल कांग्रेस में हैं। फुलेरा सांवर उनके राजनीतिक जीवन का मील का पत्थर रहे हैं, इसलिए यहाँ की सियासी विरासत पुत्र को सौंपती। पार्टी सिस्टम पर सवाल दागना उनकी पुरानी शैली है। ऐसा पहली दफा है कि इतना लंबा कोई अध्यक्ष रहा हो, और अक्सर चेंज होता है रहा तो अध्यक्ष बदल दिया जाता है। तो सचिन पायलट काम तो ठीक ही कर रहा है, लेकिन परंपराओं के हिसाब से इतना लंबा चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीते कुछ सालों से डॉक्टर साहिब की सियासत ढलान पर है। पुत्र का चुनाव नहीं जीत पाना भी उनके लिए सियासी दंश के समान रहा है। अब नया क्या करना चाहते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।